हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट एक्स एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियन। विलियन चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था, और थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद अब हम आज कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सोल्यूशन में आपको मेनली किन किन चीज़ों पर फोकस होना होगा। जो भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे वो केवल और केवल कंसंट्रेशन बेस्ड पर, कंसंट्रेशन ही आपको मेजर करना है थ्रू आउट द चैप्टर अभी तक के लिए। बाकी आगे और जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम आपको समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। इधर आज हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है और ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का हम भी सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, सुक्रोज का मतलब हुआ एक तरीके से शुगर। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में आपने क्या पढ़ा था। द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में आपने पढ़ा था कि सर विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, और विलयन में कितना है, प्रति सौ मतलब प्रति सौवें भाग में कितना जो है विलेय का द्रव्यमान उपस्थित है। यही आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालेगा आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप यहाँ से चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमोलर H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करनी है। उसके बाद है 250 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आप देखिए यूनिट से आपको पकड़ना है, यूनिट अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ दैट मीन्स कि वो आपको आयतन दिया होगा। यूनिट अगर नॉर्मेलिटी मोलरिटी n अपॉन 10 m अपॉन 10 m कैपिटल m अपॉन 10 स्मॉल m अपॉन 10 टाइप के दिया हुआ है समथिंग, तो वो आपकी नॉर्मेलिटी मोलरिटी या ये सारी चीजें हैं। तो टर्मिनोलॉजीज को अगर आप समझ रहे हैं, आप उसके फॉर्मूला को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रहे हैं, जरा समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं कि सुक्रोज पहले लिखते हैं क्या कि सुक्रोज का द्रव्यमान, ठीक है, सुक्रोज का द्रव्यमान ये क्या करना है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ये आपको निकालना है। ठीक, और आपको दिया क्या गया है, तो दिया गया है सुक्रोज की मात्रा घोले सुक्रोज की मात्रा कितना है बेटा जी, तो घुलित सुक्रोज की मात्रा है 10 ग्राम। समझते चलिएगा। अगला बात कह रहा है कि विलायक की मात्रा यानी विलयन की मात्रा, यानी कि किसमें विलयन है, विलयन किसमें बना है, जल में, तो जल की मात्रा ग्राम। ठीक है, ओके, तो विलयन का द्रव्यमान विलेय प्लस विलायक बराबर 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम। ठीक है, ये क्या है, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान में क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो कितना हो गया बेटा जी, तो ये हो गया 110 ग्राम। ठीक है, ओके, आप बात को समझिएगा। पहला मैंने बोला
कि सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है, ये हमें नहीं पता है। तो सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए आप देखिए कि क्वेश्चन में बेटा आपको दिया क्या क्या है। तो दिया है कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, मतलब आपके पास 100 ग्राम वाटर था, उसमें 10 ग्राम चीनी को घोल दिया गया है, एक तरीके से शरबत बना दिया गया है। अब पूछ रहा है कि विलयन में, याद रखिएगा कि अब ये बार बार लोग पूछेंगे कि ये 110 ग्राम कैसे आ गया, चूंकि बेटा यहाँ विलयन की बात कर रहा है, अगर विलायक की बात करता तो हम यहाँ 100 लेते, लेकिन विलयन की बात कर रहा है तो हमको 10+100 लेना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए आंसर में, सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, घुलित सुक्रोज की मात्रा, घुलित सुक्रोज की मात्रा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है घुलित सुक्रोज की मात्रा, तो घुलित सुक्रोज की मात्रा है, घुलित सुक्रोज का मतलब कि जो शुगर, जो सुक्रोज पानी में घुली हुई है, तो कितना दिया है 10 ग्राम दिया हुआ है। और जल की मात्रा कितनी है, तो 100 ग्राम जल में घुला है, तो जल क्या है, विलायक है। अब विलयन में पूछ रहा है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 100 विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, 110 ग्राम। अब आपको पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो विलेय का द्रव्यमान हो गया 10 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 110 ग्राम, और ये क्या है गुणे 100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, ग्राम से ग्राम चला गया, जीरो से जीरो गया, तो आ गया कितना 100/11, दैट इज 9.09%। या आप केवल ये लिखिए 9.09 एंड। समझना होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार से हम फिर से रिकॉल करते हैं, आप इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 100 ग्राम सुक्रोज को, सॉरी 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम पानी में घोल दिया गया, घोलने के बाद विलयन का सॉल्यूशन बन गया, और पूछ रहा है कि विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो हमको सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत जानना है, घुलित सुक्रोज कितना है 10 ग्राम है, जल की मात्रा कितना है 100 ग्राम है, दोनों को मिला दिया तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 110 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, विलेय कितना है 10 ग्राम, विलयन कितना है 110 ग्राम, दोनों को रख दिया, आंसर आ गया बेटा। एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं, अगर आप डेफिनेशंस को जानते हैं और फॉर्मूले को जानते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको यहां अगर समझने में प्रॉब्लम हुई तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक बात है। आइए अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करना है। 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर H2SO4 में
विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करनी है। अच्छा डेसी मोलर है, ठीक है, क्वेश्चन में समझिए पहले H2SO4 की मात्रा ये हमको निकालना है, ठीक है ना, H2SO4 की मात्रा हमको निकालना है। दिया क्या है क्वेश्चन में, तो पहले तो दिया है इसकी मोलरता, H2SO4 की मोलरता क्या होगी बेटा जी, तो ये बोला है कि डेसी मोलर, और यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डेसी मोलर, डेसी क्या है। आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज में डेसी टर्म यूज होता है दैट मींस वो क्या है, 10 है ना, डेसी सेंटीमीटर, ठीक है, या डेसीमीटर, यही तो हम करते हैं, तो 10 मतलब हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट यूनिट में, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां आपका क्या होता है m अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक, या वन अपॉन 10 एसी मोलर। अगला क्या दिया है, H2SO4 दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, H2SO4 का आयतन कितना दिया है बेटा, H2SO4 का आयतन कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगली बात हो गई, ठीक है, अब आप जानते हैं कि अब आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला डेटा पता चल गया, आप फॉर्मूले में रखना है, करना क्या है कि हम जानते हैं क्या, ये देखिए ये लिखने के तरीके हैं, आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, पहले डेटा लिख लीजिए फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखिए फिर फॉर्मूले में डेटा रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा कि W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू m इंटू m डैश इंटू v अपॉन 1000, ठीक है। अब यहां एक चीज बचता है, H2SO4 का अणुभार कितना हो जाएगा बेटा, 98, कैसे आया कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहां पे अब वैल्यू रख दीजिए, कैपिटल M की वैल्यू है 1/10, m डैश की वैल्यू है 98, b की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको W कैलकुलेट हो जाएगा, W इज इक्वल टू m की वैल्यू हो गया 1/10, m डैश हो गया 98, b हो गया आपका 100 अपॉन 1000, जीरो गया जीरो गया जीरो गया, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 0.98 ग्राम। तो अतः विलयन में 0.98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। आप एक बार समझिए फिर उसके बाद हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन में दिया है बेटा कि 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करनी है, तो आपको एक तरीके से विलयन दिया, विलयन का आयतन दिया है, आयतन के अलावा आपको उसकी मोलरता दी हुई है और आपको H2SO4 का अनुपात पहले से पता है, तो आप चीजों को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा कि H2SO4 की मात्रा आपको निकालनी है। H2SO4 की मोलर का कितना दिया है, डेसी मोलर दिया है, डेसी मोलर का मतलब 1/10 हो गया। H2SO4 का आयतन दिया हुआ है और अणुभार आप जानते हैं 98 होता है। फॉर्मूला जो हमारे पास है, यानी जिसको हमने लिखा कि हम जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि प्रीवियसली हमने इस चीज को पढ़ रखा है कि W is equal to m into m dash into v upon 1000। ओके, नाउ अब आपके पास जो डेटा है उस पे हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो कैपिटल M is equal to 1/10, m dash is equal to 98 and v is equal to 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पे वेट पता चल गया कि 0.98 ग्राम का वेट का H2SO4 का वेट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ विलयन में डिसॉल्व है। ठीक है, आप एक बार समझिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा था कि 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसी मोलर H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, आयतन दिया है, क्या दिया है, मोलरता दिया है, क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, आयतन दिया है, मोलरता दिया है, आपको एक और क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, W is equal to mm into v upon 1000, m की वैल्यू 1/10, m की वैल्यू 98, v की वैल्यू 100, कैलकुलेट कर दिया 0.98 ग्राम किया, दैट्स इट। आप एक बार चेक करिए, ठीक है, ओके। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉट H2SO4 विलयन में H2SO4 के मात्रा की गणना करनी है। यानी यहां पर भी आपको H2SO4 का वेट निकालना है, लेकिन कितना आपको विलयन दिया हुआ है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब। आइए देखते हैं क्या निकालना है, H2SO4 की मात्रा, H2SO4 की मात्रा नहीं पता, कैलकुलेट करना। ठीक है, विलयन का आयतन कितना दिया है, 250 सेंटीमीटर क्यूब, और नॉर्मलता दिया हुआ है, नॉर्मलता दिया हुआ है कैपिटल एन। क्या दिया है, सेमी नॉर्म, सेमी नॉर्म का मतलब हो गया सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल का मतलब हो गया क्या हो गया बेटा, एन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सेमी नॉर्म का मतलब जो आप मीटर में कैलकुलेट कर रहे थे वो आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछता है कि H2SO4 की मात्रा की गणना करनी है। ठीक, H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर
98 by 2 that is 49, ठीक है 49। अब आपको पता है क्या, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि W is equal to क्या होता है, W is equal to NEB upon 1000। N की वैल्यू दिया है, E की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू दिया है और आपको W निकालना है। तो क्या करिएगा बेटा जी, करना ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि N is equal to 1 upon 2, E is equal to 49 और V is equal to 250। Now calculate the W. W is equal to 1 upon 2 into 49 into 250 upon 1000, ठीक है। अब क्या होगा कि अब होगा ये कि आएगा ये W is equal to 6.125 ग्राम। तो यहां क्या लिखिएगा कि अतः 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में H2SO4 का 6.125 ग्राम घुला है या उपस्थित है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के बाद आंसर को देखिए, फिर हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। आपको केवल समझना यह है कि आपको क्या निकालना है, डेटा क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना है। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, केवल आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है क्या पूछ रहा है और डेटा क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि आपको विलयन सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हमारी बात हो रही थी कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा की गणना करनी है। हम बात कर रहे हैं कि हमें H2SO4 की मात्रा निकालनी है, यानी कि बेटा हमें इसका वेट निकालना है कि कितना ग्राम है इसका डिजॉल्व विलयन में। विलयन का आयतन दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, नॉर्मलता सेमी नॉर्म दिया है दैट इज हाफ दिया है। आपको पता है कि मोलरता में जहां हम अणुभार निकालते हैं, अणुभार से कैलकुलेट करते हैं परमाणु वही तुल्यांकी भार लगाते हैं, H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे हम जब नॉर्मलता कैलकुलेट करेंगे तो W is equal to NEV upon 1000 एक फॉर्मूला है, जहां N नॉर्मलता, E तुल्यांकी भार, V विलयन का आयतन है, ठीक है। तो अब हमने क्या रख दिया, N is equal to half, E is equal to 49 क्या है, H2SO4 का तुल्यांकी भार है और आयतन आपको दिया हुआ है 250। तो यहां से जब आप W कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 6.125 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में H2SO4 के 6.125 ग्राम डिसॉल्व है। याद रखिएगा कि जब भी आप नॉर्मलता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अभी इसके आगे टाइट्रेशन का भी क्वेश्चन आएगा, तो जब भी आप नॉर्मलता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आपको ये जानना होगा कि वहां हम तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, वहां हम तुल्यांकी भार से कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको परमाणु भार दिया है, अणु भार दिया है, तो आपको सबसे पहले तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने आना चाहिए। तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आपका क्वेश्चन आधा तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि तुल्यांकी भार निकालना कैसे। हम उसके लिए एक अलग से क्लास करके और उसको हम डीपली डिस्कस कर देंगे कि अणु भार, परमाणु भार, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का एक सॉल्यूशन था, उसमें H2SO4 डिसॉल्व था। आपको बताना है कि वो ग्राम कितना ग्राम उसमें डिसॉल्व है। तो क्वेश्चन में जो जो दिया था, आयतन दिया था, नॉर्मलता दिया हुआ था और H2SO4 का तुल्यांकी भार हम जानते हैं।
तो उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूले पे रख दिया W = NEV/1000, n की वैल्यू half, e की वैल्यू 49 और b की वैल्यू 250. तो W = ½ × 49 × 250/1000 और कैलकुलेट होकर के आपको आंसर मिल गया. तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन के क्वेश्चन करने हैं. ये सैंपल क्वेश्चन था. इसके अलावा हम जितने भी चैप्टर कर रहे हैं उसका जो न्यूमेरिकल सेशन होगा वो हम लोग अलग से कवर अप करेंगे. लेकिन अभी आपको समझाने के लिए क्योंकि फ्लो में था, रनिंग पोजीशन पे था, तो ये बताना जरूरी था कि क्वेश्चन को समझना कैसे और सॉल्व कैसे करना है. आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम अगला लेक्चर जो भी लेंगे उसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल सेशन है आपके पर चैप्टर वो हम अलग से कवर करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.